मोदी सरकार की एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक अब भ्रष्ट बाबुओं के खिलाफ शुरू होगी सरकार ने इसके लिए बड़ी योजना बना रखी है 15 अगस्त से ये अभियान शुरू हो सकता है सरकार ने इसके लिए शुरुआती चरण में सभी दागी अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट बनाने की तैयारी की है सरकार ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तमाम मंत्रालयों और विभागों से दागी अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट मांगी है इसके तहत कर्मचारियों के नाम उनके खिलाफ लगे आरोप जांच की स्थिति और उससे जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे सरकार की मंशा है कि केंद्र के सभी भ्रष्ट कर्मचारियों का डोजियर तैयार रहे जिसमें एक ही जगह उनकी पूरी जानकारी उपलब्ध हो ये डोजियर सी की अगुवाई में बनेगा होम मिनिस्ट्री की तरफ से 23 जुलाई को सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजे लेटर में 5 अगस्त तक ये डोजियर तैयार करने को कहा है सरकार की तरफ से भेजे गए इस लेटर में सख्ती से कहा गया है कि इस डेडलाइन का पालन करना ही होगा सूत्रों के मुताबिक ये डॉजियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर तैयार हो रहा है इसमें यह जिक्र भी करना होगा कि करप्शन के आरोप के बाद उनके खिलाफ किस तरह विभागीय कार्रवाई हुई इस प्रक्रिया में भ्रष्ट कर्मचारियों को बचाने वालों की भी पहचान होगी पीएम मोदी करप्शन के खिलाफ जंग को गवर्नेंस के बड़े एजेंडे के रूप में पेश कर रहे हैं नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक के कदम को पीएम मोदी ने करप्शन के खिलाफ बड़ी जंग बताया है 15 अगस्त को पीएम मोदी सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार दूर करने की मुहिम को लेकर बात कर सकते हैं ऑब्जर्वर डॉन ब्यूरो